34 साल बाद भी ध्वस्त पुल का नहीं हुआ है निर्माण। ग्रामीणों ने पुल बनाने की मांग करती रही, अब तक नहीं बना मदन सानी पुल। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में ध्वस्त मदन सानी पुल का निर्माण 34 साल बाद भी नहीं हो पाया है। पुल निर्माण कार्य नहीं होने से लोग आज भी चचरी पुल के सहारे आवागमन करने को विवश हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बार बार यह मुद्दा बनाया जाता है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि वादे भी कई बार किए, लेकिन चुनाव के बाद इससे जुड़े सूत्र या सुधि लेने कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेतागण नहीं आता है। ग्रामीणों को प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी अन्य कार्य के लिए चचरी पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता है। आपको बता दें कि 1987 की प्रलकारी बाढ़ के दौरान मदन सानी पुल ध्वस्त हुआ था, लेकिन उस पुल को लेकर कई बार टीवी एवं अखबार के माध्यम से जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि एवं एमएलए या एमपी तक बात पहुंचाई गई, लेकिन तब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई, जबकि उप मुख्यमंत्री कटिहार जिला के ही हैं। वहीं मुखिया प्रमोद सिंह, किशोर मंडल एवं ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद इस पुल का निर्माण हुआ था सन 1987 में। प्रलकारी बाढ़ के कारण पुल ध्वस्त हो गया था, उसके बाद से चचरी पुल के सहारे ही आवागमन हो रहा है। लोगों का कहना है कि कितने विधानसभा और लोकसभा चुनाव बीत गए, हर बार प्रत्याशी से पुल की मांग स्थानीय लोग करते रहे, फिर भी इस दिशा पर किसी का ध्यान नहीं पड़ा। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www